हर नई ज्योतिष गतिविधि के बारे में सूचनाएं प्राप्त करने के लिए देखिए हमारा चैनल पुजारी जी। क्या है आपका राशिफल, पूजा के लिए कौन सा मुहूर्त होगा शुभ, व्यापार में कैसे होगा लाभ, ये सब जानने के लिए हमारे चैनल पुजारी जी को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोस लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। मित्रों, आज हम आपको बताएंगे कि रुद्राक्ष का पूजन और धारण दोनों ही कैसे समान रूप से फलदायी होता है। रुद्राक्ष का पूजन और धारण दोनों ही समान रूप से फलदायी है। जो बंधु किसी कारणवश रुद्राक्ष को धारण ना कर सकें, वे रुद्राक्ष का पूजन कर सकते हैं। पूजन के लिए रुद्राक्ष का जोड़ा रखना आवश्यक है। रुद्राक्ष दानों को चांदी अथवा पीतल की डिब्बी में सिंदूर में रखकर अपने पूजा घर अथवा गल्ले में पुष्य योग अथवा सोमवार को रखें। धूप दीप दिखाएं, चमत्कारिक लाभ की अनुभूति होगी। सोमवार के दिन रुद्राक्ष को पूजा घर में चांदी अथवा तांबे की कटोरी में रखें। माला पर गंगा जल अथवा कच्चे दूध मिश्रित जल के छींटे लगाएं एवं 11 बार ओम नमः शिवाय का उच्चारण प्रतिदिन अपनी दैनिक पूजा करते समय करें। गंगा जल के छींटे स्थापन करते समय प्रथम दिन ही लगावें। अब हम आपको आगे बताएंगे कि रुद्राक्ष को धारण कैसे किया जाता है। किसी भी मुख के रुद्राक्ष को अथवा रुद्राक्ष माला को धारण करने का सबसे श्रेष्ठ समय होता है पुष्य योग, जो महीने में एक बार अवश्य आता है। और यदि पुष्य योग बृहस्पतिवार को घटित हो तो सोने पर सुहागा है। इसे गुरु पुष्य योग कहा जाता है। यदि पुष्य योग का सदुपयोग किन्हीं कारणों से ना कर सकें तो रुद्राक्ष धारण करने का सर्वश्रेष्ठ दिवस सोमवार है। सोमवार को लाल, काले अथवा सफ़ेद धागे में अथवा सोने या चांदी की चैन में डालकर रुद्राक्ष को धारण किया जा सकता है। रुद्राक्ष धारण करने से पूर्व धारणकर्ता को चाहिए कि वो पहले रुद्राक्ष अथवा रुद्राक्ष माला को श्रेष्ठ विद्वान से विधिवत सिद्ध कराकर अपने नामानुसार प्राण प्रतिष्ठित अवश्य करा लें, तभी रुद्राक्ष पूर्ण रूप से प्रभावी होता है। एक बार अभिमंत्रित किए गए रुद्राक्ष को धारण करने के लिए एक वर्ष पश्चात उसे पुनः अभिमंत्रित कर लेना चाहिए। अगर आपको हमारी वीडियोज अच्छे लगे तो बेल आइकॉन पर जाकर क्लिक करें और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल पुजारी जी।